क्या होती उतरन। आप तो आज बहुत खुश लग रही हैं। हाँ, आज बहुत खुश है। और डांस भी बहुत अच्छा कर रही थी। ये क्या, ये कपड़े कैसे गंदे किए आपने? आप बाहर धूल में खेल रही थी। धोने में डाल देंगे और आप हमारे लिए नए जूते ला देना। ये जूते आपने पिछले महीने लिए हैं। तब से भी लीजिए, दूध पी लीजिए। ऐसा करो, तपस्या के कपड़े निकाल दो और फिर बैग में से टिफिन भी निकाल लेना। जी चलिए, आप लीजिए। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो गई हैं। आप ये पुरानी नस्ल के स्कूल गई थी? हाँ ठुकराई थी। आज ही ये हैट तपस्या बेबी ने निकलवाई थी, और भी कुछ दो तीन चीजें निकलवाई थी अजीब से स्टोर रूम से। ये हैट, फैंसी ड्रेस तो खत्म हो गया ना? आप एनुअल डे में पार्ट ले रही हैं? हाँ, एनुअल डे। आप एनुअल डे में पार्ट ले रही हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। नाटक है कौन सा, बताइए ना। माँ ये सब छोड़िए ना, हमें बहुत भूख लगी है, हमें सैंडविच चाहिए। अच्छा ठीक है, आप चेंज कर लीजिए और हम आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाते हैं। ये लो ज्योति, टिफिन भी ले जाओ और नाश्ते की तैयारी करो हमारे। सर ये पहली बार हुआ है कि अग्रवाल ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। हमें शक है कि हमारे ऑफिस में से किसी ने उन्हें कोटेशंस की डिटेल्स दे दी है, इसलिए हमने आपको घर पे बुलाया है। बात हम ऑफिस में नहीं करना चाह रहे थे। कौन हो सकता है वो? अरे सिन्हा जी, आप ऑफिस में तो आपसे मुलाकात ही नहीं होती, मालूम पड़ा आप घर आए हुए हैं, सोचा खुद ही मिल लेते हैं। हम जानते हैं जीजा जी, आप लोग किस बात को लेकर परेशान हैं। इस साल का कॉन्ट्रैक्ट अग्रवाल के पास चला गया, इसीलिए ना। आपको इसके बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं भी सिन्हा जी से कुछ जरूरी बात कर रहा हूं। आपको हमने विराज जाने के कहा था ना? जी, वो कल तड़के निकल जाएंगे ड्राइवर के आते ही। आप अभी जाएंगे और दो घंटे में वापस भी आएंगे, समझे आप? जी, बस इस मीटिंग के खत्म होते निकल जाएंगे। इस मीटिंग में आपका होना जरूरी नहीं है, आप अपना काम पूरा करके चाहिए। हम क्या समझते नहीं जीजा जी, काम के बहाने हमें हर मीटिंग से बाहर रखते हैं आप, मगर हम भी बहुत कमीने हैं जीजा जी, इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे। चलो अभी कोई दूसरा गेम खेलते हैं। इतने सारे पैसे टप्पू, इतने सारे 100 के नोट हैं, इतने सारे 500 के टप्पू पकड़ फूट जाएंगे। ये असली नोट नहीं है, ये नकली नोट है। मेरे को लगा ये सच्ची के नोट है। टप्पू, इतने सारे पैसे होंगे तो कितना मजा आता। इसने तो इतने पैसे देखे भी नहीं, तो ये क्या जाने इतने सारे पैसे कैसे कमाए जाते। इतने सारे पैसे आसमान से नहीं टपकते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके हाथ आते हैं। और वो भी ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए किस्मत चाहिए, किस्मत। अच्छा, नानी को क्या पता कि हमारे पास असली रुपए भी है, वो भी हमारी मेहनत के। अच्छा, आज के पैसे तो हमने गिने ही नहीं, आज हमें लगता है हमने बहुत सारे रुपए कमाए। रुक एक मिनट,
100, ये हुए 200, कुल मिलाकर हुए 300, अच्छा ये कुल मिलाकर हुए 390। कल हमने 150 रुपए कमाए थे, तो 150 और 390 ऐड करो तो 540। हाँ 540। अच्छा बस एक दो दिन में हमारे पास 1000 रुपए होंगे और जल्दी 5000। सच पप्पू? फिर मैं अम्मो को पैसे दे दूंगी और सब सच बता दूंगी। मेरे को अम्मो को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। अच्छा हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अम्मो की मदद कर रहे हैं। पापा कहते हैं किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और अम्मो की मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमें एक बात बुरी लगी, आज पटेल साहब अकेले ठाट से ऑफिस की कार में आए और हम बाकी सब लोगों के साथ टैक्सी में। जीजा जी आपके बारे में कोई ऐसी वैसी बात करे ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें भी एक कार दिलाई दीजिए 5-7 लाख रुपए की। तो ऑफिस की कार ऑफिस के सीनियर्स के लिए होती है। पटेल साहब हमारे साथ 10 साल से हैं। जोगी इसमें हर्जी क्या है? नई ना सही, पुरानी गाड़ी ही सही। घर की चीज घर के लोगों के काम नहीं आएगी तो फिर किसके काम आएगी? मौसी जी अगर आप परिवार और कारोबार को अलग ही रखें तो अच्छा होगा। क्या कर रही हो? खाना खत्म हो गया, जा जाके मिठाई लेके आओ। जी ठाकुरायन अभी लाई। जी जी आप जीजा जी का इतना ख्याल रखती हैं, किस्मत वाले हैं हमारे जीजा जी। पता है जी जी कई एक साल पुरानी बात है, हम और जीजा जी एक मीटिंग से लौट रहे थे, उस दिन तपस्या बिटिया का जन्मदिन था। जीजा जी आपके लिए एक सुंदर कीमती साड़ी और गले का हार खरीद कर लाए थे। हमने कहा भाई जन्मदिन तो बिटिया का है और तोहफा माँ के लिए, तो बताया क्या बोले? कहने लगे भाई बेटी के जन्मदिन के दिन एक माँ का जन्म भी तो होता है। क्या गाड़ी चलाते थे जीजा जी? 70, 80, 100। हमारी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उस दिन हम काफी लेट भी हो गए थे। जीजा जी कह रहे थे भाई आज अगर समय पर नहीं पहुंचे तो आपकी जीजी नाराज हो जाएगी। क्या हुआ? ये गुलाब जामुन कितना गर्म है भाई। अरे भाई इतना गर्म तो कोई खा भी नहीं सकता। ये शांत हो जाए जीजा जी, पानी पी लीजिए ना। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जी आप कुछ बता रहे थे, फिर क्या हुआ आगे बताइए ना। हाँ फिर क्या हुआ भाई? क्योंकि जहां तक हमें याद है वो साड़ी हमारे पास तो पहुंची नहीं। रास्ते में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतना भयानक कि क्या बताएं। बस फिर क्या था, हम फंस गए ट्रैफिक जाम में। देर तो हो ही चुकी थी, वो बस हड़बड़ाहट में साड़ी तो कार में ही भूल गए। और एक्सीडेंट के बाद जीजा जी का मूड भी खराब हो गया। हाय राम, एक्सीडेंट किसी का और नुकसान हमारी ननद जी का। तू भी ना रोहिणी, साड़ियों का क्या है और आ जाएंगी। पर एक्सीडेंट में तो किसी की जान चली गई ना, वो तो वापस नहीं आएगी। तू भी ना रोहिणी कुछ समझती नहीं है। लो अम्मा जी, हम क्या नहीं समझते अम्मा जी, पर बात तो जीजी की सारी की चल रही थी ना जी। पुष्कर खाना खाने के बाद जरा स्टडी में आना, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। बहुत कमीना है तू पुष्कर। जीजा जी आप तो मिठाई खाए बिना ही चले आए,
हमें भी यही बुला लिया, कुछ कहना था तो वही कह देते। सीक्रेट बात है। आप बार बार उस रात वाली बात को क्यों दोहराते रहते हैं? कौन सी रात? अच्छा वो रात। नहीं नहीं जीजा जी, हम कब दोहराते, हम तो कब के बुला चुके हैं, वो तो आप ही हमें। नाटक मत कीजिए। सर आज जो कुछ भी हुआ, एक हादसा था, एक दुर्घटना थी जिससे हम शर्मिंदा है। हमसे जो बन पड़ा हमने किया आपके कहने पर, लेकिन हमें लगता है उस गलती के लिए आप हमें परेशान और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैकमेल? छी छी जीजा जी, हमारी क्या मजाक, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो क्या है ना जीजा जी, जब आप हमारी बात नहीं मानते ना तो हमारी जुबान ना चलने लगती है। जबान बंद रखने की क्या कीमत लेंगे आप? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? इसमें अपनी कीमत लिख दीजिए और फिर यहां से दफा हो जाइए। दोबारा हम आपकी शक नहीं देखना चाहते। क्या करेंगे जीजा जी, आप हमारे जीजा जी हैं, हमारी जीजी के पति। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके चरणों में अगर जगह। बस कीजिए जीजा जी, शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए, टेंशन मत लीजिए। क्या है ना जीजा जी, दिल पर बुरा असर पड़ता है। जीजा जी आज ना जुबान फिर से फिसल गई, कह रही थी पुष्कर एक नई कार चाहिए। हमने कहा मिल जाएगी, जीजा जी दिलवा देंगे। हम चलते हैं जीजा जी, आप आराम कीजिए। इतनी बड़ी हवेली में अगर आपको इतनी सी नींद भी नहीं मिली तो हमें बहुत दुख होगा। नहीं हमारी बात, हमें तो अब तब नींद आएगी जब अपनी कार का मॉडल पसंद करेंगे। भाई जीजा जी का गिफ्ट है, मना कैसे करें। शुभ रात्रि जीजा जी। तेरा डिब्बा ये ले, और ये तेरी वाटर बॉटल। अरे ये क्या है? ये यो यो है, यो यो। देखना कैसे घूमता है, ट्रिंग ट्रिंग। यो यो, लेकिन ये तू कहाँ से लाई? मेरे को ये तपस्या के मामा जी ने दिया, मेरे को और तुम्हें को दोनों को। क्या माता जी के बेटे ने? हाँ वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को ये दिया। कभी वो मेरे को चॉकलेट देते हैं तो कभी मेरे को खिलाना। आखिर ये पुष्कर साहब चाहते क्या हैं? वो हम पर इतने मेहरबान क्यों हैं? कभी मुझे अच्छी नौकरी दिलाते हैं तो कभी इच्छा को चॉकलेट और खिलौने। इचकी आज के बाद तो उनसे कुछ मत लेना। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आज के बाद उनसे कुछ नहीं लेना। ला, ये खिलौना दे, मैं लौटा दूंगी। दे। नहीं, मेरे को ये बहुत पसंद है, को खेलना है इसके साथ। इसकी तू समझते क्यों नहीं है बेटा? देख, अगर नानी जी को पता चल गया कि उनके बेटे ने तुझे ये खिलौना दिया है,
तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। फिर वो तुझे भी डांटेंगी और मुझे भी। ठीक है मेरे को नहीं चाहिए, तू तपस्या के मामा जी को लौटा दे। शाबाश, चल चल इचकी जल्दी कर, वरना स्कूल जाने में देर हो जाएगी ना बेटा। देख ये ले बेटा। अभी आधे घंटे पहले मौसमी का जूस दिया था, उसके आधे घंटे पहले लस्सी। जब से आए हैं नाक में दम करके रखा है इस मौसमी की चूड़ी। लो आ गई सर की महारानी। मोती ये क्या है? जी भाभी जी, सेब एप्पल। वो तो हम भी जानते हैं, पर ये क्या इतने छोटे छोटे? अरे हमारे सहारनपुर में तो कितने बड़े बड़े सेब मिलते हैं, ये सब तुमने ऐसे कैसे काटे? जी छुरी छुरी से। वो तो हम भी जानते हैं, पर इनके इनके छिलके कौन उतारेगा? हाँ अरे पता है इनके दांतों में सेब के छिलके अटक जाते हैं। अब तुम एक काम करो कि दूसरा काट के दो, समझी? और हाँ छिलके उतारना मत भूलना। जी आपके सामने तो ऐसे बनती है जैसे सारे घर का काम यही करती है, और देखो इतना सा सेब नहीं साफ कर सकती। दोनों के दोनों सुबह शाम खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे बरसों से कुछ खाया ना। छिलका दांत में अटकता है। ज्योति बहन लाइए मुझे दीजिए, मैं छिलका उतार देती हूँ। दीजिए। वाह तुझे मुझ पे तरस कब से आने लगा? नहीं मैं तो बस ऐसे ही हाथ बटाने की कोशिश कर रही थी। बस बस, और हाँ ज्यादा आगे पीछे मत हुआ कर इन मामा मामी के, कुछ नहीं मिलने वाला, समझी? और पता है ये औरत तो तेरे ही पेट पर लात मारने पर लगी है। और हाँ मैंने इसे ठकुराइन के कान भरते सुना था, कह रही थी हम जब तक यहाँ पर है तब तक कुछ काम कर देते हैं, तपस्या बीबी का ख्याल हम रख लिया करेंगे, हमारा जी भी लग जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। वो दामनी है ना, उसे आप काम से निकाल बाहर करो। वैसे भी वो जो दामनी है वो काम ही क्या करती है, उसे आप काम से निकाल बाहर क्यों नहीं करते? वैसे एक बात बताओ, ये रोहिणी भाभी है ना, ये तो आधे दिमाग की है, जैसा इसका पति चाबी भरता है ये वैसे ही चलती है। ये तो इसका पति एकदम पक्का बदमाश लगता है। पुष्कर साहब मुझे हवेली से बाहर अच्छा काम दिला रहे थे और उनकी पत्नी ठकुराइन से मेरी शिकायत कर रही थी, कहीं ये तो नहीं कि पुष्कर साहब मुझे हवेली से दूर भेजना चाहते हैं? पर क्यों? May I speak to Mrs. Divya Thakur, please? अच्छा जी, आपको नाना जी से बातें करनी है जी? जी जी, ये लीजिए बात करिए, आपका फोन है। किसका है? वो कोई मिस डुडुम्पन का है। ओह मिसेस ड्यूपों, तपस्या की फ्रेंच टीचर। वही तो, हम तो कितनी देर से आपको बता रहे हैं। हेलो हेलो मिसेस ड्यूपों, हम दिव्या ठाकुर बोल रहे हैं। कहिए। मैम I wanted to talk to you. आपकी डॉटर हमारे यहाँ फ्रेंच के लिए एनरोलमेंट ली है, पर वो आज तक कोई क्लास अटेंड ही नहीं किया है और वो आज भी क्लासेस नहीं आई है। आप बताइए does she want to continue? क्या उसके एडमिशन कैंसिल कर दें?